अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम बीएससी कैलकुलस बाय तालपुर चैप्टर नंबर थ्री में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज मैं उनकी वीडियो आपसे शेयर करूँगा। आज मैं आपको इस वीडियो में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो जनरल मैथ का स्टूडेंट्स है या फिर डबल मैथ का है, BZU, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है BSc का, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये 25 अहम सवाल ढूंढ कर, ठीक है, आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव रोल थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट डबल मैथ वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बुक का पेज 95 पर मिलेगा, इसको तो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, स्टेट एंड प्रूव रोल थ्योरम। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको बुक का पेज 97 पर मिलेगा, ये भी थ्योरम है, इसको भी आप याद रखिएगा। जनरल मैथ वाले जस्ट उसकी स्टेटमेंट याद रखेंगे दोनों थ्योरम्स की, और डबल मैथ वाले जो डबल मैथ जिन बच्चों ने रखी हुई है वो इन दोनों थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड एफ डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सम नेबरहुड ऑफ सी, ये भी एक थ्योरम है, ये आपको बुक का पेज 94 पर मिलेगा, ये जनरल मैथ वाले भी करेंगे और डबल मैथ वाले भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द साइन कर्व इज, ये कर्व है, इज द टेंजेंट टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एट दिस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, इज द टेंजेंट यहां पर आएगा पैरेलल टू द कॉर्ड, ठीक है, ये आपका बुक का पेज 99 है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द साइन कर्व, यानी साइन कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के पैरेलल हो जाती है, वो पॉइंट फाइंड करना है, और कॉर्ड कैसे बनती है, 0 0 और पाई बाय 2 वके, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चेक वेदर द मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड और नॉट फॉर दिस, ठीक है, ये आपका बुक का पेज 98 पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इस फंक्शन पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स दिस शो डैट द वैल्यू ऑफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन दिस एंड ऑल एक्स इज लेस देन -3 एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ दिस, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बुक का पेज 96 पर आपको मिलेगा, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू दिस शो डैट द वैल्यू ऑफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 97 पर, ठीक है, ये भी पेपर में आता है और आएगा भी सही नेक्स्ट पेपरों में। नेक्स्ट है शो डैट द इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन दिस इंटरवल, ठीक है, के शो करें ये जो इक्वेशन है वो इस इंटरवल में कम से कम एक रियल रूट रखती है, तो ये आपका पेज नंबर 96 पर है और ये रोल थ्योरम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट है बच्चों इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस विद दिस डिटरमाइंड सी इकाशी मीन वैल्यू, ये बच्चों बुक का पेज 101 पर है, ठीक है, इकाशी मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके आपने कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये, ठीक है, ये आपका बुक का पेज 114 पर आपको मिलेगा, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म, इससे रिलेटेड चार क्वेश्चन हैं और चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं और दो ही क्वेश्चन हैं, तो मैंने ये चारों के चारों ऐड किए हैं क्योंकि ये हर बार कोई ना कोई इन चारों में से एक पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो ये डेल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये वाला, ये भी देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म, बुक का पेज 115 पर आपको मिलेगा,
ठीक है, ये भी है वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म, तो ये आपका बुक 120 पे मिलेगा। ठीक है, ये सारे डेल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होंगे और ये सारे वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है, इनका अपना एक मेथड है, इनको अच्छी तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट, डबल मैथ वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये, इसको लाजमी कीजिएगा। एग्जाम्पल्स हैं, बुक का पेज आपको 115 पे मिलेगी। ठीक है, उसी के आगे ही एक और एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बार पेपर में आ चुकी है कि प्रूव करें ये जो है कैन नॉट रिमेन फाइनाइट एट एक्स टेंड टू जीरो, कि जब इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, कि यानी कि जब हम इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो वो फाइनाइट नहीं रहता, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिट आएगा। तो हमने यही प्रूव करना है कि जब हम इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जी बच्चों, जनरल मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 109 पर डेल हॉस्पिटल रूल से इसको आपने सॉल्व करना है, जनरल मैथ वाले पेपर में ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मैथ का पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, और मेरे जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें मेरा ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये भी डेल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये भी डेल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा बच्चों। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताए हैं ये तो आपको फिंगर टिप से आने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है, वो कहते हैं प्रूव डेट, तो ये भी आपका बुक का पेज 120 पर आपको मिलेगा, आपने प्रूव करने के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो डेल हॉस्पिटल रूल का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी डेल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है, एवेल्युएट करें इसका आंसर, ठीक है, क्या आएगा, वो आपका बुक का पेज 117 पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म, ये वही क्वेश्चन है, तो चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने भी इनको चारों के चारों ही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट है आपका, आगे अब आ गया यहाँ पे, तो ये सारे थे आपके बच्चों का कौन से, डेल हॉस्पिटल रूल के। अब आ जाओ टेलर और मैकलॉरन सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है बच्चों। एक्सपैंड एक्सपैंड लॉग नेचुरल 1 + x इन पावर ऑफ दिस, ये आपका बुक का पेज 125 125 पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टेलर सीरीज यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स के अलावा किसी भी फॉर्म में आपने एक्सपैंड करना हो तो आप टेलर सीरीज यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर एक्स में चाहिए तो मैकलॉरिन यूज़ करेंगे, अगर x-3 में आंसर चाहिए या इसके अलावा एक्स के अलावा किसी और फॉर्म में चाहिए तो आप टेलर सीरीज़ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे टेलर सीरीज से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड की 2x इन पावर ऑफ x-1, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का पेज 125 पर है, तो यहाँ पर भी टेलर सीरीज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने क्या है एक्स के अलावा x-1 की फॉर्म में मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो टेलर सीरीज़ का यूज़ करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जनरल मैथ के लिए भी और डबल मैथ के लिए भी, और दोनों टेलर सीरीज से सॉल्व होंगे बच्चों। नेक्स्ट है अप्लाई मैकलॉरिन थ्योरम टू एक्सपेंड ई की पावर साइन एक्स, ये भी डबल मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल मैथ का भी आ जाता है कि मैकलॉरिन सीरीज को यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, वाई दे दी है, कहते हैं आपने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करके इसके ऊपर फिर आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फिर ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, ये है बुक का पेज 127 पर। लो जी बच्चों, 25 आखिरी क्वेश्चन, ये भी आपका लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है ये, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, डबल मैथ के पेपर में भी और जनरल मैथ के पेपर में भी, इसको आपने भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। पहले ये लेकर ये प्रूफ इसे ये करेंगे, फिर इसको लेकर फिर हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है, जो बहुत दफ़ा जनरल मैथ के पेपर में भी आ चुके हैं, बहुत बार डबल मैथ के पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और अगर इनमें से क्वेश्चन में से कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो काइंडली मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इन क्वेश्चन को काइंडली अच्छे तरीके से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है वो इन्हीं चैप्टर नंबर 3 के इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई दो क्वेश्चन उठा देंगे। ठीक है बच्चों, डबल मैथ वाले इसमें से दो क्वेश्चन 34 नंबर का पेपर आएगा, और जनरल मैथ वालों का 17 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इन क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है या कोई किसी आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो काइंडली फिर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इन क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अपना भी नाम होगा। खुदा हाफिज़।